सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिनेरियस वल्चर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? बर्ड वॉचर्स ने और रिसर्चर्स ने सिनेरियस वल्चर को यानी सिनेरियस गिद्ध को स्पॉट किया है, देखा है झारखंड के हजारीबाग में। वैसे देखो ट्रेडिशनल नॉलेज ये है, ये जो सिनेरियस वल्चर है सर्दियों में यूरोप के माउंटेनियस रीजन्स से यानी यूरोप में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से माइग्रेट करता है गर्म इलाकों में, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में। लेकिन इससे पहले झारखंड या फिर झारखंड के आसपास इलाकों में इस वल्चर को नहीं देखा गया था, तो ये पहली बार था कि सिनेरियस वल्चर को देखा गया झारखंड के हजारीबाग में। सिनेरियस जो नाम है वो आता है मुनकस से, मुनकस का मतलब है हुडिड, मतलब साधु की तरह, लाइक ए मोंक। दूसरे नाम भी हैं सिनेरियस वल्चर के, जैसे ब्लैक वल्चर या फिर मोक वल्चर, यूरेशियन ब्लैक वल्चर। IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में आता है। साइट्स जो कन्वेंशन है इंडेंजर्ड एनिमल्स या फिर बर्ड्स के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, उस कन्वेंशन के हिसाब से ये अपेंडिक्स सेकंड में आता है। कहाँ पर मिलता है? यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोर्टुगल, स्पेन, क्रोशिया, सर्बिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, टर्की, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सेंट्रल एशिया में रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, एशिया में इंडिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, कोरिया, वियतनाम, बहुत सारे देशों में मिलता है। अगर UPSC क्वेश्चन पूछेगी तो सिर्फ यही पूछेगी कि क्या ये पाया जाता है सिर्फ यूरोप में, तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि यूरोप के अलावा एशिया में भी मिलता है ये सिनेरियस वल्चर। नेक्स्ट आर्टिकल पांडा बोंड के बारे में है। देखो आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत अभी फिलहाल अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, उन्हें चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो पाकिस्तान की सरकार ने फैसला लिया है कि वो पांडा बॉन्ड्स को इशू करेंगे। UPSC पांडा बॉन्ड्स के बारे में पूछ सकती है। पांडा बॉन्ड चाइनीज रेनमिनबी डोमिनेटेड बॉन्ड हैं। जैसे देखो पाकिस्तान की सरकार चाइना में ये बॉन्ड इशू करेगी और पैसा हासिल होगा चाइना की करेंसी रेनमिनबी में। तो पांडा बॉन्ड अगर UPSC पूछती है तो ये चाइनीज रेनमिनबी डोमिनेटेड बॉन्ड हैं जो कि नॉन चाइनीज इशूअर के द्वारा इशू किए जाते हैं चाइना में। सबसे पहली बार पांडा बॉन्ड इशू किए गए थे चाइना में 2005 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और एशियन डेवलपमेंट के द्वारा एक ही दिन। अगर UPSC पूछे कि पांडा बॉन्ड कौन सी करेंसी से संबंधित है या फिर कौन से देश से संबंधित है, आंसर होगा रेनमिनबी। देश का नाम पूछे तो चाइना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल IBMS के बारे में है। पूरा नाम है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने हमारे देश में 172,517 जो ब्रिजेज हैं उनकी एक इन्वेंट्री तैयार की है, मतलब उनकी एक सूची तैयार की है। इसमें छोटे जो पुलियाँ हैं वो भी हैं, माइनर ब्रिजेज भी हैं, मेजर ब्रिजेज भी हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेज भी हैं। फ़ायदा इस प्रकार की इन्वेंट्री बनाने का देखो ये होगा, ना सिर्फ हर एक ब्रिज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कब वो ब्रिज इस्टाब्लिश किया गया था, उसकी फ़िलहाल कंडीशन कैसी है, कितने लोग प्रभावित होते हैं उस ब्रिज से, हर तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, तो टाइमली सभी ब्रिजेज को रिपेयर किया जा सकेगा समय के अनुसार। जैसे देखो हर एक ब्रिज को सबसे पहले तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर की सहायता से ये पता लग जाएगा कि ब्रिज जो है वो नेशनल हाईवे पर सिचुएटेड है, स्टेट हाईवे पर स्थित है या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड पर स्थित है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से हमें यह भी पता लग जाएगा कि ब्रिज कौन से स्टेट में है, कौन से RTO जोन में है। इसके बाद हर एक ब्रिज को एक ब्रिज लोकेशन नंबर भी दिया जाएगा। इस ब्रिज लोकेशन नंबर की सहायता से ब्रिज के एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता लगाया जा सकेगा। ब्रिज लोकेशन नंबर के बाद हर एक ब्रिज को एक ब्रिज क्लासिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा जिसकी सहायता से ये पता लग सकेगा ब्रिज का डिज़ाइन कैसा है, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ब्रिज का टाइप क्या है, एज क्या है, लोडिंग, ट्रैफिक लेन, लेंथ, विड्थ, सारी जानकारी मिलेगी ब्रिज क्लासिफिकेशन नंबर की सहायता से। और सबसे लास्ट में एक स्ट्रक्चरल रेटिंग नंबर। इस रेटिंग नंबर से ये पता लगेगा ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो अभी किस हालत में है। वैसे एक और रेटिंग नंबर भी है, सोशियो इकोनॉमिक ब्रिज रेटिंग नंबर। इससे ये पता लगेगा कि आसपास के जो लोग हैं वो उस ब्रिज पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर देखो
रेटिंग ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उस ब्रिज को प्रायोरिटी दी जाएगी रिपेयर करने के लिए, या फिर उस ब्रिज में जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, मतलब ये सारे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं ब्रिज को, यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछ सकती है कि आईबीएमएस जो प्रोजेक्ट है कौन सी मिनिस्ट्री का है, कौन कौन से नंबर्स दिए जाएंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे नंबर दिए जाएंगे, ब्रिज लोकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्रिज क्लासिफिकेशन नंबर, स्ट्रक्चरल रेटिंग नंबर, सोशो इकोनॉमिक ब्रिज रेटिंग नंबर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। यूएसए और इसराइल ने अब यूनेस्को की मेम्बरशिप को ऑफिशियली छोड़ दिया है, ऑफिशियली क्विट कर दिया है यूनेस्को से यूएसए और इसराइल ने। अक्टूबर 2017 में यूएसए के द्वारा नोटिस दिया गया था यूनेस्को से विड्रा करने के लिए, और उसके बाद इसराइल ने भी नोटिस दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यूएसए और इसराइल ये आरोप लगा रहे थे कि यूनेस्को के द्वारा एंटी इसराइल स्टांस को अपनाया गया है। 2011 में पैलेस्टीन को फुल मेंबरशिप प्रोवाइड की गई यूनेस्को के द्वारा। ईस्ट जेरूसलम अभी जो इसराइल के कब्जे में है, इसको लेके भी क्रिटिसिज्म किया गया यूनेस्को के द्वारा, और काफ़ी सारी पुरानी जो ज्यूइश साइट्स हैं उनको पैलेस्टीन हेरिटेज साइट माना गया यूनेस्को के द्वारा। तो यूएसए और इसराइल ने कहा ये सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जांपल्स हैं किस प्रकार से यूनेस्को का जो स्टैंड है वो इसराइल के अगेंस्ट है। इससे पहले 1984 में भी यूएसए ने यूनेस्को से मेंबरशिप अपनी वापस ले ली थी, लेकिन 2003 में यूएसए ने फिर से यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया। उस समय यूएसए ने ये आरोप लगाया था यूनेस्को बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड है, करप्ट है, और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सोवियत यूनियन के द्वारा अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। यूनेस्को के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। इसे देखो, इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। काम क्या है? काम है वर्ल्ड में पीस और प्रॉस्पर्टी को प्रमोट करना। इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम को यूनेस्को के द्वारा ही चलाया जाता है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो डिसाइड करती है किस साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में डाला जाए या फिर नहीं डाला जाए। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करती है। अभी तक देखो सबसे ज़्यादा इटली में 51 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में डाला गया है। दूसरा नंबर है चाइना का 48, तीसरा स्पेन का। इंडिया का इम्पोर्टेंट है, इंडिया में टोटल 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 29 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और एक मिक्स साइट है। इंडिया छठे नंबर पे ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जो मिक्स साइट है वो सिक्किम में है, कंचनजंगा। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की यूनेस्को के बारे में। वैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा, इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है जो कि रिक्वेस्ट भेजती है यूनेस्को को कि आप इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दीजिए। तो उसके बाद यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो देखती है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उसके हिसाब से साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल संवाद विद स्टूडेंट्स इनिशिएटिव के बारे में है। ये देखो इसरो का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में इसरो हमारे देश के यूथ के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनको बताएगा कि इसरो के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, रॉकेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, चंद्रयान, गगनयान, दूसरी स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में। इसरो ये भी बताएगा इन सभी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस से कॉमन मैन को किस प्रकार से बेनिफिट हो रहा है। मकसद संवाद विद स्टूडेंट्स इनिशिएटिव का ये है यूथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। तो बेंगलुरु में इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। 30 स्टूडेंट्स और 10 टीचर्स का एक दल गया बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष भवन में और इसरो के जो चीफ हैं उनके साथ इंटरेक्शन की स्टूडेंट्स और टीचर्स ने। इसरो की योजना ये है कि देश के विभिन्न इलाकों के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसरो के अधिकारियों के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया संवाद विद स्टूडेंट्स इनिशिएटिव के बारे में। ये इसरो का इनिशिएटिव है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? गवर्नमेंट ने सुधीर भार्गव को नया चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया है। देखो, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है। इस कमीशन के जुरिडिक्शन में
सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ आती हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी है आरटीआई एक्ट के अनुसार। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा 10 मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड किया जाता है एक सर्च कमेटी के द्वारा। आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में सर्च कमेटी के बारे में बताया गया है। सर्च कमेटी में 3 मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट किया गया हो पीएम के द्वारा। इन 3 सदस्यों की सर्च कमेटी नाम को रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को और उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर्सन को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करेंगे। कार्यकाल देखो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मैक्सिमम हो सकता है 5 साल। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यूं हो सकता है, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनका 3 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, 2 साल का बाकी है, तो 2 साल के लिए उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। टोटल एग्रीगेट जो कार्यकाल होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए और रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी अलाउंसेस या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेम हैं जो सैलरी अलाउंस टर्म्स एंड कंडीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी अलाउंसेस दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस जॉब की सर्विस की सेम है जो सैलरीज अलाउंसेस टर्म्स एंड कंडीशन इलेक्शन कमिश्नर की हैं। ये इंपॉर्टेंट देखो इसलिए है, आपको याद होगा कुछ समय पहले पार्लियामेंट में एक बिल आया था आरटीआई एक्ट को अमेंड करने के लिए। बिल में प्रोविजन ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी अलाउंसेस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएं। गवर्नमेंट का तर्क ये था, इलेक्शन कमीशन तो देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सिर्फ स्टैचुटरी बॉडी है, तो दोनों बॉडीज आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये तर्क दिया गया था सरकार के द्वारा, तभी इस प्रकार का बिल आया था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने विरोध किया था इस बिल का, इससे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी और आरटीआई एक्ट और ज़्यादा कमज़ोर होगा। लास्ट में ये लिखा गया है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन के जो डिसीजन हैं वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नालसा के बारे में है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। देखो 1987 का एक एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, 1987 के उस एक्ट के अकॉर्डिंग नालसा को इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है। काम क्या है इस बॉडी का, काम देखो कई हैं, जैसे हमारे देश में लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं या फिर वीकर सेक्शंस हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोर्ट में जाना, तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, ये काम है नालसा के। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जस्टिस ए के सिकरी को नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेट किया है। इवन हमारे संविधान का आर्टिकल 39A जो है, 39A ये आर्टिकल भी यही बात करता है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए गरीब जनता को, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को। 1987 के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में प्रोविजन ये भी किया गया था, जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाती है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएं, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, नालसा के जो पैट्रोन इन चीफ होते हैं, पैट्रोन इन चीफ, वो चीफ जस्टिस होते हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट में। और इसी प्रकार से हम बात करें स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो पैट्रोन इन चीफ होते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, और हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं चीफ जस्टिस के बाद वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसी प्रकार से होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन,
शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने यूनेस्को के बारे में डिस्कस किया। यूएस और इसराइल ऑफिशियली अब यूनेस्को से बाहर आ गए हैं। पहले मेंबर्स की संख्या हुआ करती थी 195, दोनों देशों के बाहर आने के बाद मेंबर की संख्या यूनेस्को में हो गई है 193। हमने सिनेरियस वल्चर के बारे में डिस्कस किया, पांडा बोन्स के बारे में डिस्कस किया, पाकिस्तान ने इशू किए हैं चाइना में, संवाद विद स्टूडेंट्स इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया, IBMS इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस किया और सबसे लास्ट में डिस्कस किया नालसा के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।